बोलो बम बम महादेव बम बम। हेलो नमस्कार अदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कैसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तु भ्यंग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मीन राशि फल अगस्त 2023 के बारे में कि मीन राशि वाले लोगों का अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज की हमारी ये चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले देख लें कि कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, कुंडली के द्वितीय में गुरु और राहु हैं, तृतीय में कोई नहीं, चौथे में कोई नहीं है, पंचम में शुक्र और सूर्य हैं, छठे में शुक्र मंगल सूर्य और बुध हैं, सप्तम में मंगल है, अष्टम में केतु है, नवम दसम एकादश में कोई नहीं, द्वादश में शनि है, प्रथम भाव खाली है। इसका क्या अर्थ है देवी और सज्जनों, उसको समझने का प्रयास करेंगे, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ग्रहों का यहाँ यहाँ बैठना आपके लिए किस मामले में अच्छा अथवा किस मामले में बुरा रिजल्ट देने वाला है देवी और सज्जनों। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और स्थिति उनके जीवन में ऐसी आ गई है कि ज्योतिष पर से, ज्योतिष शास्त्र पर से उनका विश्वास उठता चला जा रहा है। क्योंकि मैं ज़्यादातर ज्योतिषियों के आजकल जो वीडियोज मैंने देखने की कोशिश की तो उसमें मेरे समझ में यही आया कि वहाँ पर में ज़्यादातर परेशान लोग पहुँच रहे हैं, ऐसे लोग पहुँच रहे हैं जो बहुत परेशान हैं। और उसमें जब मैंने सबकी कमेंट्स पढ़ने की कोशिश की तो उसमें मेरे पास में यही रिजल्ट आया, सब ने लिखा था, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, मैंने कम से कम 25-30 चैनल खोल करके देखे, बड़े बड़े चैनल, उसमें यही लोगों का आया मैसेज मैंने देखा, वहाँ पर लिखा हुआ था कि गुरुदेव आप लोग जो ज्योतिष सब बता रहे हो ये हमारे ऊपर में अच्छा फल तो लागू ही नहीं हो रहा है, मेरा समय तो 6 महीने से खराब चल रहा है, कोई कह रहा है मेरा समय तो 2 साल से खराब चल रहा है, कोई कह रहा है मेरा समय तो बचपन से ही खराब चल रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा समय 6 साल से, 7 साल से, 5 साल से, 3 साल से खराब चल रहा है। और आप लोगों के द्वारा जो भी बातें बताई जा रही हैं ज्योतिष के क्षेत्र में वो हमारे ऊपर में 1% भी लागू नहीं हो रहा है, ऐसा लोगों का कमेंट्स मैंने देखे हैं। ये एज ए ज्योतिष मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसका समाधान अगर मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि सारे जगह से लोग जब थक जाते हैं, हार जाते हैं तो अध्यात्म की शरण में आते हैं, हमारे शरण में आते हैं, और जब यहां भी सही समाधान ना मिले तो कहां जाएंगे लोग इस कारण से। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं समझना है कि गोचर का जो फल आपके लिए मासिक वार्षिक राशि फल बताया जा रहा है आपके ऊपर में अगर लागू नहीं हो रहा है, आपको अगर उतना अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है जो इसका मतलब ज्योतिष शास्त्र झूठा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि निश्चित तौर पर में आपके जन्म कुंडली में ऐसी ही आपकी एक जन्म कुंडली बनी हुई होगी, अगर नहीं बनी हुई होगी तो आपके पास में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान होगा, उसके आधार पर में एक ऐसी ही जन्म कुंडली आपकी बनेगी, उस समय की, उस दिन की, उस तारीख की, उस घंटे मिनट की एक जन्म कुंडली बनेगी। और फिर ग्रहों की स्थिति को निकाला जाएगा जो आपके ऊपर में कौन सी ग्रहों की महादशा अथवा अंतरदशा चल रही है। यकीन मानिए, मेरा विश्वास मानिए कि निश्चित तौर पर मैं आपके जन्म कुंडली में कोई ना कोई ऐसा ग्रह आपके ऊपर में, किसी न किसी ऐसे ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, कोई ना कोई ऐसा ग्रह आपके ऊपर में शासन करके बैठा हुआ होगा जो आपको अच्छा फल लेने ही नहीं दे रहा होगा, आपके हाथों में आते 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 अच्छा फल छूट जाता होगा, रह जाता होगा। ठीक इसी कारण से आप सब, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा जब मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े और मैं ये इन चीजों पर मैं इधर एक सप्ताह से ज्यादा गौर करने लगा कि आखिर क्या हो रहा है, लोग इतने परेशान क्यों हैं, तब मुझे पता चला। तो
आप कहते हो कि अच्छा फल नहीं मिलता है और बुरा जो ज्योतिषियों के द्वारा बताया जाता है, बुरा उससे ज़्यादा, यानी कि जितना बुरा बताया जाता है उससे भी कई गुना ज़्यादा बुरा फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा आप लोगों के द्वारा कहा जाता है। तो इसका कारण बस यही है कि आपके ऊपर में निश्चित तौर पर में जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो आपको चाह करके भी अच्छा फल नहीं देने दे रहा है। जिसके पास जन्म कुंडली नहीं, जन्म तारीख नहीं, जन्म समय नहीं, उसकी हस्तरेखा जो है सो ऐसी है, और हस्तरेखा के माध्यम से उसको देखा जाएगा कि कौन से ग्रह की स्थिति विपरीत चल रही है, कौन सी रेखाएं विपरीत चल रही हैं जिसके कारण से आप परेशानी में ज़्यादा जूझ रहे हो, ये देखा जाएगा। लेकिन घबराए नहीं, समस्या का समाधान निकल जाएगा। आप निश्चित तौर पर में अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा की जांच करवाएं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, और ये यकीन माने कि जब आपको सही समाधान मिलेगा, सही बीमारी अगर पकड़ में आ जाएगी कि किस कारण से ये आपको अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है, बस इतना अगर पकड़ में आ गया और वो पकड़ में आ जाएगी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा देखने के बाद, तो आपको गोचर का भी अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा, आपको सही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आइए चर्चा को आरंभ करता हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले चर्चा सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के पंचम और छठे भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य आपको 17 अगस्त तक परेशान करेगा। आप कहेंगे क्या परेशान करेगा, कैसे परेशान करेगा, तो उसको श्रवण कीजिए। पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य 17 अगस्त तक जो है सो आपके पास में जो विद्या है, आपके पास में जो बुद्धि है, उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं लेने देगा। क्या? सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं लेने देगा। और क्या? तो ये पंचम भाव जो है देवी और सज्जनों, आपके संतान का होता है। तो यहां पर क्योंकि सूर्य मारक अवस्था में बैठ गया, सूर्य विपरीत अवस्था में बैठ गया, इसीलिए संतान से संबंधित भी समस्या देगा, संतान को भी परेशान करने का ये सूर्य यहां पर में प्रयास करेगा। संतान को या तो हेल्थ वाइज इशू दे देगा अथवा संतान को कोई दूसरी ही समस्या दे देगा, जो 17 अगस्त तक ये संतान को भी परेशान करेगा। कोई ऐसी महिला होंगी जो गर्भ धारण करना चाह रही होंगी, गर्भ धारण करने के प्रयास में होंगी, 17 अगस्त तक क्योंकि सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, जरूरी नहीं है जन्म कुंडली में अगर ग्रह बलवान होंगे, मजबूत होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं होंगे तो सूर्य 17 अगस्त तक आपके गर्भ को ठहरने नहीं देगा, गर्भ धारण से संबंधित, गर्भाशय से संबंधित किसी प्रकार का परेशानी निश्चित तौर पर दे देगा। ये जो पांचवा भाव है आकस्मिक धन के लाभ का और आकस्मिक धन के नुकसान का भी होता है। तो देवी और सज्जनों, ये पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य आपको आकस्मिक धन का नुकसान करवा सकता है, रैंडम आपका लॉस करवा सकता है, रैंडम आपके हाथों से जो है सो पैसा निकल सकता है, अचानक से जो है सो आपको पैसा निकल सकता है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा बचाते 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 और वो निकल जाएगा, स्थिति परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी कि अचानक आपके हाथ से पैसा निकालना आपको मजबूरी हो जाएगी। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य आपको रोमांस, लव अफेयर्स, प्रेम संबंध के मामले में जो है सो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, रोमांस को फेल कर देगा, प्रेम संबंध को परेशानी में डाल के छोड़ देगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच में ये सूर्य 17 अगस्त तक टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर देगा, आपके सामने परेशानी आ जाएगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पांचवा भाव मां से द्वितीय है, यानी कि मातृ धन का है, चतुर्थ से द्वितीय यानी कि मातृ धन का, अब जिसके कारण से मातृधन के होने के कारण, मां के धन के होने के कारण आपको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
माता को भी धन का नुकसान होगा, आप ये मान करके चले। आपका तो जो होगा सो होगा ही, और माँ को भी धन का नुकसान होगा। माँ से अगर आपको कुछ धन का 17 अगस्त तक लाभ मिलने वाला था तो वो भी सही तरीके से आसानी से नहीं मिल पाएगा। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में ये बैठा हुआ सूर्य आपके हृदय, लीवर, अमाशय, छोटी आंत, इन सब से संबंधित भी, अर्थात पेट से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का सामना जो है सो करने का कोशिश करेगा। किसी प्रकार की स्थिति परिस्थिति को जो है सो डैमेज करने का प्रयास करेगा। तो देवी और सज्जनों, आपके लिए जो है सो ये ठीक नहीं है। आपके लिए सूर्य का यहाँ बैठना आपके लिए घातक है। पंचम भाव देवी और सज्जनों आपके जीवन साथी के लिए, आपके जीवन साथी की आय को प्रभावित करेगा, उनकी इच्छा पूर्ति को प्रभावित करेगा। मित्र से संबंधित टेंशन तनाव का भी योग बना सकता है आपके जीवन साथी को। बरसात यानी कि आपके जीवन साथी के बड़े भाई बहन से भी आपको खूब लाभ नहीं लेने देगा। सास के लिए विपरीत समय हो सकता है। चाचा, ससुर, बुआ, इन सब के लिए भी समय ये बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि सूर्य की एकादश भाव पे पड़ेगी, और एकादश भाव अर्थात यहाँ पर में जो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो 17 अगस्त तक ये आय को भी डैमेज करेगा। ये आय के क्षेत्र में रुकावट लाएगा, लाभ को भी जो है सो डैमेज करने का प्रयास करेगा, किसी भी प्रकार से आपके लाभ को रोकने की कोशिश करेगा। और देवी और सज्जनों, बुद्धि विवेक की जहाँ तक बात की जाए तो आपके बुद्धि विवेक को भी प्रभावित करेगा, इच्छा पूर्ति में बाधा डालेगा। आशा की जो जिन चीज़ों पर मैं आशा डाल रखा था आपने कि ऐसे होगा तो ऐसे कर दूंगा, वो चीज़ें विफल हो जाएंगी। प्रशंसा इस समय में आपको खूब नहीं मिल पाएगा। आपकी इच्छा, आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि जो है सो होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। सत्य के मार्ग पर चलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों के साथ टेंशन तनाव हो सकता है, चोट वगैरह लगने की संभावना है। यहाँ पर मैं बैठना सूर्य का आपके लिए देवी और सज्जनों 17 अगस्त तक किसी भी मामले में बढ़िया नहीं है। सूर्य जब यहाँ से कुंडली के छठे भाव में आ जाएगा फिर ये अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन पंचम भाव में 17 अगस्त तक सूर्य बैठा हुआ है तो आपके लिए कुछ उपाय बता दूं कि आपके लिए उपाय ये है कि आपके घर में जो पुराना रीति रिवाज चल रहा है 17 अगस्त तक उसको तोड़ने का प्रयास ना करें, उसी पर में चलें। किसी को इस समय में बुरा ना बोलें, झूठ ना बोलें, और आप जिस बात को बोलते हैं उन बातों की आप पुष्टि करें। अपने वचन पर में चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य जब कुंडली के पंचम भाव से हट करके 17 अगस्त के बाद चला आएगा कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर में, तो फिर सूर्य जो है सो कुछ अच्छा रिजल्ट देवी और सज्जनों देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। तब ये आपको सही मायने में लाभ पहुँचाएगा। जैसे में क्या पहुँचाएगा तो उसको श्रवण कीजिए। सूर्य के छठे भाव में आने के कारण 17 अगस्त के बाद आपके कार्य की सिद्धि होगी। आप जिस काम को करना चाहते हैं, आप जिस कार्य को करना चाहते हैं, उस कार्य में सफलता की आपको प्राप्ति होगी, वो कार्य आपका सफल होगा, सिद्ध होगा। सुख के प्राप्ति का भी योग बनेगा 17 अगस्त के बाद। पूरे महीने यही सूर्य आपको सुख की प्राप्ति करवाएगा, आपके सुख के प्राप्ति में वृद्धि करेगा। सभी कार्य बड़े आसानी से सरलता पूर्वक सफल होते चले जाएंगे।
देवी और सज्जनों, इस समय में मीन राशि वाले जातक को 17 अगस्त के बाद जो है सो अच्छा भोजन मिलने का योग, बढ़िया वस्त्र पहनने का योग, यानी कि अच्छा वस्त्र और अच्छा भोजन दोनों मिलने की संभावना जो है सो आपको दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में सिंह राशि में सूर्य के छठे भाव में बैठने के कारण आपका शत्रु पर में भी विजय प्राप्त होगा। दुश्मन भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपके सामने अगर टकराने की कोशिश करता है आपसे, तो वो आपसे आगे नहीं निकल पाएगा, उसकी पराजय होगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोग का नाश होगा। रोग से संबंधित हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू से संबंधित अगर आप परेशान हैं तो ज़्यादा परेशान ना हो। 17 अगस्त के बाद प्रभु की कृपा से आपके रोग का नाश होगा और आप फिर से बम बम करने लगेंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में 17 अगस्त के बाद मीन राशि वाले जातक को राज्य अधिकारियों से लाभ मिलेगा, बड़े ऑफिसर से भी लाभ मिलने की संभावना है। निज प्रताप की वृद्धि होगी, अपना आपका जो प्रताप है, जो रुतबा है, उसमें वृद्धि होगी। शोक मोह आदि भावों का नाश होगा, अपयश कलंक भी धुल जाएंगे। यानी कि सूर्य का प्रभाव यहाँ पर में बैठना बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर के देवी और सज्जनों सामने जो है सो वो आ रहा है। छठे भाव में बैठने के कारण आप ये मान करके चलो कि इस समय में आप मेहनत खूब करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, श्रमी होंगे, मेहनत करेंगे। शत्रु का नाश होगा, रोग का नाश होगा, कुछ चोट वगैरह अगर आपको लग रखा है तो उसमें भी आपको राहत मिलने की संभावना है, वो भी ठीक हो जाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में नौकर आपकी बातों को सुनेगा, आप जैसा कहेंगे नौकर वैसा ही करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पालतू पशु अगर आपके पास में है तो उस तरफ से भी आपको लाभ मिलेगा। किसी के अधीनता में अगर काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रमोशन के योग बनेंगे। शत्रु एवं विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ वस्तु अगर चोरी हो गई थी तो वो वापस मिल सकती है। आपके घाव वगैरह ठीक होंगे, चोट में राहत होगा, हिंसा कम करने का प्रयास करें, बढ़िया रहेगा। मानसिक तनाव दूर हो सकते हैं, कर्ज में राहत मिल सकता है। अगर आप मकान किराए पर लगाते हैं, आप किराए पर में मकान लगाते हैं, तो किराएदार से भी आपको संबंध बढ़िया रहेगा और इस समय में आप चाहें तो किराया बढ़ा भी सकते हैं। मामा मौसी इन सब से भी जो है कुछ लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन के अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, संतान के धन में वृद्धि होगा। आपके गुर्दे, बड़ी आंत से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत मिलेगी। जीवन साथी कहीं दूर छोड़ करके जा सकता है, उनको कष्ट भी हो सकता है। सैया सुख की जीवन साथी को प्राप्ति होगी, उनको धन का प्राप्ति होगा, दान पुण्य करेंगे। और आपको मैं बता दूं, इस समय में आपके बुआ सास को भी कुछ लाभ मिलेगा, ससुर को भी अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, मामी सास, मौसा ससुर, इन सबको भी कुछ लाभ मिलने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। सूर्य के बाद अब बात करेंगे मंगल की। देवी और सज्जनों, मंगल आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है और मंगल का छठे भाव में बैठना 18 अगस्त तक आपके लिए बड़ा सुखद है। छठे भाव में मंगल के बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि इस समय में आपको धन प्राप्ति का मंगल के कारण 18 अगस्त तक मीन राशि वाले यहाँ पर में मंगल है तो विशेष योग जो है सो आपको बनाएगा। आपके लिए महर्षि कहते हैं कि इतना ही नहीं, जो लोग तांबा स्वर्ण इन सब का काम करते हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा और जो लोग काम नहीं करते हैं उनको कुछ तांबे स्वर्ण अन्य धन की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं कि शत्रुओं पर सरलता से विजय प्राप्त कर लेंगे, दुश्मन से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी विजय प्राप्त करने में, आसानी से आप उसके ऊपर में विजय प्राप्त कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप शत्रुओं का नाश भी कर देंगे, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, उसकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब धूमिल हो जाएगी। देवी और सज्जनों,
इस समय में आपके प्रभाव में चारों तरफ चारों दिशाओं में वृद्धि होगी। आप जहां जिस गांव समाज में रहते हैं आपके प्रभाव में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, आपको खूब लाभ मिलेगा, आपको बहुत अच्छा जो है सो फायदा होगा। देवी और सज्जनों, मंगल यदि छठे भाव में बैठ जाए तो कहते हैं उसमें भी सिंह राशि में तो स्वास्थ्य को ठीक कर देता है, हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू आ जाए तो उससे राहत दिलाता है, अन्यथा स्वास्थ्य का दोष भी लगता है, हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ इशू जो है परेशान भी कर देती है। मंगल जो है इसके बाद चले आएगा कुंडली के सप्तम भाव में 18 अगस्त के बाद। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में मंगल के आने के कारण आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आप ही को नहीं आपके स्वजन को भी। महर्षि कहते हैं कि सप्तम भाव में मंगल के बैठने के कारण स्वजनों को मानसिक तथा शारीरिक कष्ट की संभावना है, आपके अपने लोगों को, जीवन साथी को, आपके चाहने वालों को शारीरिक और मानसिक कष्ट की समस्या जो है सो सामने दिखाई दे रही है, उनको आ सकती है। भोजन वस्त्र आदि में भी कमी का अनुभव आपको 18 अगस्त के बाद हो सकता है। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, आपके लिए जो है सो अपनी स्त्री से कलह की संभावना भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं बैठा हुआ मंगल ये आपको अपने जीवन साथी के साथ भी कलह की स्थिति को उत्पन्न करेगा, टेंशन तनाव को बढ़ा करके रख देगा। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको जीवन साथी के साथ बीमार करने का 18 अगस्त के बाद यहाँ पर बैठा हुआ मंगल ये प्रयास करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य रोग का नाश करेगा, ये रोग देने की कोशिश करेगा, बीमारी तो आएगी लेकिन सूर्य के कारण वो फिर नाश हो जाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर में मंगल के बैठने के कारण मंगल के बैठने के कारण जो है सो आपको अपने भाई बंधु से भी टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, उसके साथ भी वाद विवाद की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है, दुख हो सकता है, आंख से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, आपके लिए उपाय जो है सो मैं बता दूं कि मंगल के सप्तम भाव में बैठने के कारण जो परेशानी आ रही है उसके लिए उपाय ये है कि बहन, बेटी, बुआ, मौसी और साली, इसमें से जो आपको मिल जाए उसे मंगलवार के दिन मिठाई खिलाएं, इससे आपको जो है सो परेशानी मंगल से संबंधित दूर होगी और वो आपको नुकसान नहीं कर पाएगा मंगल। मंगल के बाद बात करेंगे बुध की। देवी और सज्जनों, बुध कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, बुध कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं और छठे भाव में बैठा हुआ बुध आपके लिए कैसा फल देगा उसको देखिए। पूरे महीने छठे ही भाव में रहेंगे। यहाँ पे बैठा हुआ बुध, महर्षि कहते हैं कि धन, अन्न और उत्तम वस्त्र, क्या धन, अन्न और उत्तम वस्त्र की आपको प्राप्ति होगी, आपको धन का भी प्राप्ति होगा, बढ़िया भोजन भी मिलेगा और बढ़िया अच्छा खासा उत्तम वस्त्र की भी प्राप्ति होगी। बोलिए राधे राधे। देवी और सज्जनों, अच्छी और मनोरंजक पुस्तक पढ़ने का अवसर भी बुध के कारण मीन राशि वालों को प्राप्त होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, सभी लोग आपका मान सम्मान करेंगे, प्रचुर शारीरिक और मानसिक सुख देने का प्रयास बुध देवता आपके लिए कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में छठे भाव में बैठने के कारण लेखन कला भी जो है आपकी इस समय में उभर के सामने आएगी। कुछ अगर लिखते हैं आप, लिखने की अगर आप में क्षमता है तो कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो लिखने में जो है सो आपका जोड़ा नहीं, आप लिखते चले जाएंगे, आपका लेखनी शक्ति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इतना ही नहीं, वाद कला के जो लोग यानी हैं जो वाद कला में कुछ भी जानते हैं, वाद्य यंत्र वगैरह बजाना, उनका भी जो है ज्ञान इस समय में और ज़्यादा प्रस्फुटित होगा और लोगों के सामने आएगा। तो बुध जो है आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह है। बात करेंगे देवगुरु की। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति
कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। कुंडली के दूसरे भाव में यहाँ पर मैं बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति का होना यहाँ पर मैं आपके लिए बड़ा सुखद रिजल्ट लेकर के ये सामने आएगा। देवी और सज्जनों, क्या लाएगा तो उसको श्रवण कीजिए। कुंडली के द्वितीय भाव में देवगुरु का बैठना आपके धनागमन के स्थिति को और बढ़िया करेगा। धन का आगमन ज्यादा से ज्यादा हो ऐसी देवगुरु बृहस्पति की कृपा रहेगी पूरे महीने। ये हमेशा चाहेंगे कि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा आवे, आपके पास में ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस होवे, ये देवगुरु बृहस्पति का कृपा रहेगा। महर्षि का कहना है कि द्वितीय भाव में गुरु के बैठने कारण आपको कुटुंब में सुख और समृद्धि भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको अपने कुटुंब के साथ, आपको अपने रिश्तेदारों के साथ, आपको सुख में वृद्धि, समृद्धि में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। गुरु के कारण जो है सो आपको विवाह, वैवाहिक जीवन, संतान से संबंधित भी कुछ अच्छा खुशखबरी देखने को मिल सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, शत्रु स्वयं आपसे संधि करने के लिए इस समय में विवश हो जाएगा। उसकी इच्छा रहेगी कि वो आपसे किसी भी प्रकार से मिल जाए, वो आपसे किसी भी प्रकार से जो है सो संधि जो है सो कर ले। आपको मैं बता दूं कि आपकी ख्याति जो है सो बढ़ती चली जाएगी। गुरु के कारण आपके ख्याति में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। गुरु कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो गुरु के कारण आपकी रुचि बढ़ेगी। परोपकार और दान, क्या परोपकार और दान की स्थिति जो है सो और अच्छी होगी और गहरी होगी। चल संपत्ति जैसे कि कैश, सर्टिफिकेट्स, ये सब में जो है सो वृद्धि के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। ये सब की आपको प्राप्ति होगी। तो देव गुरु बृहस्पति का देवी और सज्जनों द्वितीय भाव में बैठना आपके लिए बड़ा सुखद संकेत है, बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए ये तैयार है। देव गुरु बृहस्पति के बाद अब शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र आपके कुंडली के छठे भाव में 7 अगस्त तक रहेंगे। 7 अगस्त तक देवी और सज्जनों शुक्र का छठे भाव में होना आपके लिए अच्छा रिजल्ट जो है सो नहीं लाएगा। शुक्र के छठे भाव में होने के कारण 7 अगस्त तक शुक्र अपने तरफ से, परिवार में 5 लोग हैं और 5 लोग आपको कुछ कुछ देना चाहते हैं, वही बात है। ये ग्रह यहाँ पर में 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह आपको कुछ कुछ देना चाहते हैं। अब कौन सा ग्रह क्या दे रहा है ये आप देखिए। हाँ, उससे बचना कैसे है ये आपको सोचना है, उपाय मैं बताऊंगा। तो शुक्र के छठे भाव में 7 अगस्त तक बैठने के कारण देवी और सज्जनों ये अनुभव करेंगे कि आपके शत्रुओं में शुक्र वृद्धि करने का 7 अगस्त तक प्रयास करेंगे। इनका ये प्रयास रहेगा कि किसी न किसी कारणवश कैसे भी करके आपके शत्रुओं में वृद्धि हो जाए, आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ जाए और शत्रुओं की ही पराजय जय भी हो, विजय भी उन्हीं की हो, विजय भी जो है सो आपको ना मिले, ऐसा शुक्र का प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, यहां तक कि शुक्र जो है सो 7 अगस्त तक आपको विवश कर सकता है कि आप शत्रु से संधि कर लें, आप उसके साथ मैत्री कर लें, आप उसके साथ मिल जाएं, आपको विवश होना पड़ सकता है। व्यापारिक साझेदार से किसी विषय पर में, किसी बात पर में 7 अगस्त तक अगर सावधान नहीं रहे तो लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव, वाद विवाद की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। यात्राओं में दुर्घटना की संभावना दिखाई दे रही है। यात्रा में जो है सो आपका दुर्घटना हो सकता है और जिसके कारण से आपको नुकसान हो सकता है। स्त्री विमुख हो सकते हैं आप, आपके जीवन साथी से आपकी दूरी बन सकती है, टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 7 अगस्त तक ही ऐसा हो सकता है शुक्र के कारण। 7 अगस्त तक अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो मैं आपको उपाय बता देता हूं। छठे भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो इसके लिए उपाय यही है कि घर की महिलाओं को आप विशेष निर्देश दे दें, जब वीडियो आप देख रहे हैं उसी वक्त से निर्देश दे दें कि 7 अगस्त तक जो है सो घर में कोई नंगा पांव ना घूमे, कुछ ना कुछ चप्पल जूता पहन के रखें, बढ़िया रहेगा। और दूसरा उपाय ये कि 7 अगस्त तक खास करके आप नारी मात्र का सम्मान करें, स्त्री जाति का विशेष सम्मान करें, बढ़िया रहेगा। 7 अगस्त के बाद यही शुक्र कुंडली के पंचम भाव में आ जाएगा। देवी और सज्जनों,
और शुक्र के पंचम भाव में आने के कारण आपको फिर विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र के पंचम भाव में आने के कारण 7 अगस्त के बाद महर्षि कहते हैं कि पुत्रादि से स्नेह की प्राप्ति होगी, संतान से जो है सो स्नेह मिलेगा, बढ़ता चला जाएगा स्नेह, अन्न और धन के प्राप्ति का योग बनेगा। आपको अन्न की प्राप्ति होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी और उत्तम भोजन मिलने की भी संभावना रहेगी, आपको बढ़िया खाना पीना भी जो है सो खाने को आपको मिलेगा, अच्छा खासा भोजन मिलेगा, मन पसंद भोजन की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी बात ये देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं आपके यश में वृद्धि करेगा शुक्र, और यहाँ पर मैं आने के बाद शत्रुओं के कलेजे पर मैं बैठेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे आप देवी और सज्जनों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संतान का सुख मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका में प्रेम संबंध में यही शुक्र 7 अगस्त के बाद और ज़्यादा प्रगाढ़ता और ज़्यादा अच्छा और ज्यादा निकटता, एक दूसरे के निकट आने का मौका देगा। आपके लिए बता दूं कि अगर किसी प्रकार का डिपार्टमेंटल एग्जाम विभागीय परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसमें भी सफलता के योग हैं, उसमें आपको सफल होना है। आमोद प्रमोद के स्थानों जैसे कि सिनेमा क्लब आदि का जाना आना आपका लगा रह सकता है, यानी कि बड़ा बढ़िया समय 7 अगस्त के बाद शुक्र का पंचम भाव में बैठने के कारण देवी और सज्जनों बहुत अच्छा रिजल्ट जो है ये शुक्रदेव आपको देने वाले हैं, बहुत अच्छा जो है सो आपको फल देंगे। शुक्र के बाद देवी और सज्जनों अब बारी आती है शनि की। शनि कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है और पूरा महीना यहीं पर में 12वें भाव में ही रहेगा। देवी और सज्जनों 12वें भाव में रहने के कारण आपको शनि क्या करेगा, शनि अपने तरफ से क्या देगा उसको देखिए। शुक्र को जो देना था उसने दे दिया आपको, अब आपको शनि क्या दे रहा है उसको श्रवण कीजिए। इस महीने में शनि का 12वें भाव में बैठना आपको अपने ही कुटुंब के साथ, आपको अपने ही परिवार से, कुटुंब से दूरी बना देगा, एक दूसरे के बीच में दूरी बना देगा, दूर रहना पड़ सकता है। सगे संबंधियों और प्रतिष्ठित लोगों से, क्या सगे संबंधियों और प्रतिष्ठित लोगों से, अपने लोगों से टेंशन तनाव मतभेद अनवन की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। देवी और सज्जनों 12वें भाव में बैठा हुआ शनि आपके लिए व्यर्थ का धन जो है सो व्यय करवा सकता है, बिना मतलब का खर्चा आपसे करवा सकता है, बिना मतलब का जो है सो पैसे की बर्बादी आपसे हो सकती है, ऐसी जो है सो संभावना दिखाई दे रहा है। शनि का ये भी प्रयास रहेगा कि किसी न किसी माध्यम से कैसे न कैसे करके आपको कुछ हेल्थ वाइज इशू दे दे, तबीयत आपका खराब हो जाए, शनि आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी देने का प्रयास करेगा। शनि के कारण आपको दूर स्थानों की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, कहीं दूर जाना पड़ सकता है आपको, शनि के कारण कुछ दुख भी आपको उठाना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों कुछ भी हो, भाग्य के पतन का भय निश्चित तौर पर में शनि के कारण होता है और यह समय आपकी संतान के लिए भी कष्टप्रद हो सकता है, उसको भी विशेष परेशानी का जो है सो सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों संतान को भी तो शनि के लिए उपाय करने की आपको आवश्यकता जो है सो पड़ेगी। शनि के लिए उपाय ये है कि मांस मदिरा का आप सेवन ना करें पूरे महीने, पूरा अगस्त के महीने में, और घर के अंतिम दीवार में खिड़की या दरवाजा अगर है संभव तो इस समय में बंद ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगस्त के महीने में। शनि के बाद राहु की बात करेंगे। राहु आपके कुंडली के 2वें भाव में बैठा हुआ है। 2वें भाव में बैठा हुआ राहु, देवी और सज्जनों यहां पर मैं बैठा हुआ राहु, महर्षि कहते हैं कि अक्षमात धन लाभ का योग बनाता, धन हानि का योग बनाता है। रैंडम आपका पैसा जो है राहु के कारण नुकसान हो सकता है, रैंडम आपका पैसा जो है सो फंस सकता है।
परिवार के लोगों से, कुटुंब से आपके अनबन हो सकते हैं। विद्या में आपकी रुचि जो है सो कम हो सकती है। शत्रु अधिक बन सकते हैं और आँखों में कष्ट की संभावना भी दिखाई देती है। देवी और सज्जनों, आपके लिए जो है ये समय थोड़ा सा विपरीत राहु के कारण होगा। राहु के तरफ से उपाय आपके लिए ये है कि ललाट पर में जो है सो हल्दी अथवा केसर का तिलक जरूर लगाएं इस महीने में। प्रत्येक दिन संभव हो तो प्रत्येक दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो जेब में जो है सो चांदी का सिक्का पर्स में जरूर रखें। केतु कुंडली के अष्टम भाव में है तो केतु के अष्टम भाव में बैठने के कारण अचानक से ये भी धन के नुकसान का योग, धन के हानि का योग बनाता है, विदेश यात्रा की संभावना देता है और पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का भी योग बनाता है। देवी और सज्जनों, तो केतु के अष्टम भाव में बैठने के कारण उपाय आपके लिए ये है कि आप क्या करें कि पूजा मंदिर वगैरह में अथवा जहाँ पर भी पूजा पाठ हो रहा है, अगर मंदिर नहीं आसपास में किसी के घर पे ही पूजा पाठ हो रहा है तो काले या सफ़ेद रंग के कम्बल का दान कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों की अगस्त 2023 की राशिफल, जो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।